गणपति फेस्टिवल के इन दिनों में, जो कि एक बहुत ही पवित्र दिन गिने जाते हैं, मैं अपने दर्शकों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक जो सबसे पहला मैसेज है कि हमारा देश जो एक भयंकर महामारी के दौर से गुजर रहा है, COVID-19, इससे अपना बचाव करें। जो भी नियमावली सरकार ने घोषित की है आप सब उसका पालन करें, जो भी मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब, क्योंकि ये समय जो है बहुत नीरस है। आप सभी लोग थोड़ा सा एक पेसिमिज्म की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन के दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमारा सीरियल भाभी जी घर पर है, जो कि COVID-19 के इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा देखा गया है और नंबर वन पर रहा है Z5 ऐप में और NTV पर भी। तो मैं चाहूंगा कि इसके अब क्योंकि हमने नए एपिसोड्स देखने शुरू कर शूट करने शुरू कर दिए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़िए, क्योंकि हंसना जो है वो डिप्रेशन को दूर करने की सबसे बड़ी औषधि है। और बहुत लोगों ने हमें जो है वो मैसेजेस करके कहा है कि हमें आप लोगों ने सुकून दिया है भाभी जी घर पर है सीरियल के द्वारा, तो हमें इससे बहुत खुशी मिली है। हम बहुत खूबसूरत एपिसोड्स अभी लेकर आ रहे हैं, हालांकि कुछ नियमावली भी है जिसका पालन करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी बेहतरीन एपिसोड्स की कड़ियां आप देखते रहिए। NTV का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे सीरियल को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों से हमें दोबारा से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जो COVID-19 और लॉकडाउन के दौरान हमारे नए दर्शक बने भी हैं। तो बस यही मैसेज है कि आप हंसिए, और हंसने का जरिया है भाभी जी घर पर है सीरियल। हंसिए, हंसाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़, आपका चेहता मधुमोहन तिवारी। गणपति उत्सव की आपको अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। गणपति हमारे बीच में बहुत ही प्रचलित देव माने जाते हैं। प्रचलित देव में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक तो ये नॉलेज, विजडम और सुख शांति के प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य जो होता है उसका शुभारंभ जो है वो गणपति के आरती से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में जो है जब हम कहते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निरिन्दम कुरुमय देव सर्व कार्येषु सर्वदा, तो सर्व कार्येषु सर्वदा, सारे कार्य जो है वो जो है एक पवित्रता की ओर जाते हैं और वो संपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में गणपति बप्पा का एक बहुत महत्व है, खासकर हिंदू ट्रेडिशन के बीच में। एक सबसे बड़ी ट्रेडिशन ये कि बच्चों के भी बड़े प्रिय हैं, क्योंकि उनका जो रूप आकार है वो जो है मानव और हाथी का एक कॉम्बिनेशन है। फिर उनका जो वाहन है वो रैट है, चूहा है, और वो मोदक खाते हैं। तो ये जो चीज़ों का एक सम्मिश्रण है, ये जो है उन्हें एक बहुत ही मतलब प्रिय देवता के रूप में स्थापित करता है। और गणपति विसर्जन जो है उसका बहुत बड़ा महत्व महाराष्ट्र में गिना गया है, क्योंकि जगह जगह जो है वो मूर्तियों की स्थापना की जाती है। इस बार COVID-19 की वजह से जो है ये चीज़ें संभव नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो हर्षोल्लास का वातावरण पूरे मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, वो मतलब देखने योग्य होता है। खासकर लाल बाग का राजा और फिर बहुत सारे ऐसे मंडल जो बहुत खूबसूरत गणपति प्रेजेंट करते हैं, छोटे छोटे घरों में जो है किस तरह से गणपति बप्पा को लाया जाता है, और एक दिन के गणपति, डेढ़ दिन के गणपति, तीन दिन के गणपति, पांच दिन के, फिर 10 दिन के लोग रहते हैं, और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो इतना पवित्र होता है, जैसे चारों तरफ जो है शाम को आरती गूंज रही होती, ऐसा लगता है कि एक आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर है चारों तरफ। तो ये खूबसूरत दिन जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में इन दिनों होते हैं, और धीरे धीरे अब ये फेस्टिवल्स जो है और प्रदेशों में भी फैल रहा है। अब मैंने सुनने में आया, मेरे ब्रदर ने बताया कि हरियाणा में भी बहुत लोग जो है इन दिनों गणपति जो है वो रखने लगे और उसका विसर्जन जो है उसी हर्षोल्लास के साथ करते हैं जैसे महाराष्ट्र में करते हैं। तो ये जो है महत्व है हमारे गणपति बप्पा का। जय। इस बार गणपति फेस्टिवल का प्रारूप जो है काफी हद तक बदल गया है, मतलब अब क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते COVID-19 की वजह से, इसलिए बहुत सारे पंडाल में जो है इतने वर्षों के बाद भी जो है वो इस बार कैंसिल करना पड़ा। जैसे लाल बाग का राजा जो है पहली बार इतने वर्षों में अब नहीं आएगा। मुंबई में भी मेरे ख्याल से मात्र 1500 पंडाल को जो है वो अनुमति दी गई है। मूर्ति का जो साइज होगा वो भी पहले की अपेक्षा काफ़ी छोटा होगा।
मिट्टी के गणपति होंगे, ये बहुत अच्छी बात है, इको फ्रेंडली गणपति होंगे जो जल्दी विसर्जित होंगे। लेकिन डिफरेंस बहुत है, लोग नहीं होंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर इस बार पैदा नहीं हो सकता। तो ये एक तरह से बड़ा एक दुखदाई विषय है हमारे लिए। मैं तो इस बार बहुत दुखी हूँ कि जो ये दिन इतने खूबसूरत होते हैं, चारों तरफ जो है आरती का वातावरण होता है, आध्यात्मिक वातावरण होता है, वो इस बार नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ खोजी है कुछ लोगों ने कि जैसे लालबाग का राजा जो बैठाते हैं, वो लोग इस बार जो ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाएंगे, वहाँ जगह जगह जो है ये मुहिम चल रही है कि हम ब्लड डोनेशन कैंप चलाएंगे ताकि हम मानव कल्याण के लिए कुछ कर सकें। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। या बहुत छोटी मूर्ति लाएंगे, उसको जो है उसकी पूजा हम उसी तरह करेंगे, लेकिन उस तरह का विसर्जन नहीं होगा जो कि एक ऐतिहासिक क्षण माने जाते हैं। तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल जो है वो काफ़ी नीरस है, जो मुझे जो है वो काफ़ी उद्वेलित कर रहा है कि ये समय नहीं आना चाहिए। हो सकता है शायद ये अच्छे के लिए भी हो, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। हो सकता है कि शायद बप्पा ही चाह रहे हो कि भाई इतना प्रदूषण फैला हुआ है, पहले इसे साफ करो और हर चीज़ को जो है थोड़ा नीट एंड क्लीन तरीके से जिंदगी जियो, जो तुमने इतनी मटमैली कर रखी थी। हो सकता है ये भी एक हो और हम अगले साल फिर से इस हर्षोल्लास के साथ आए। तो ये साल पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा सा मतलब कम है। फेवरेट मेमोरी मेरी गणपति की ये है कि जब मुझे मेरी वाइफ रेखा मिली, मतलब शादी से कुछ दिन पहले, तो मुझे बताया गया था, पंडित जी ने मुझे कहा था कि आपका जो है मंगल थोड़ा कमज़ोर है, और ऐसे में आप अगर गणपति की पूजा करेंगे या गणपति मंगलवार को गणपति के अगर मंदिर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं मतलब थोड़ा सा सुस्त टाइप का आदमी, लेकिन मुझे रेखा मिली मेरी वाइफ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो खुद गणपति की ज़बरदस्त भक्त है। और पता नहीं ऐसा कुछ क्या ताना बाना बना कि वो मुझे हर शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, वो मुझे बिना नागा ट्यूसडे हम लोग जो है वो गणपति दर्शन के लिए जाया करते हैं। और जब गणपति फेस्टिवल आया तो मुझे उसने लगभग मुंबई के सब जितने भी छोटे बड़े गणपति होते उनके दर्शन करवाए, और मुझे इतना सुकून महसूस हुआ कि मैंने उस समय ये मांगी थी दुआ कि प्रभु, उस समय काम बड़ा मंदा चलता था, हम मतलब कभी है कभी नहीं है, मैं यही माना करता था कि बाबा काम ठीक ठाक चलता रहे, जिस उद्देश्य से हम मुंबई आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाए किसी तरह से, और हमारे पापा ये ना कहें कि भाई तू क्या वहाँ पर कर रहा है, आजा वापस के नौकरी कर ले। लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैं लाल बाग का राजा के दर्शन हेतु लंबी लाइन में लगे थे, और सारी लाइन में हाथ जोड़कर ही बोलता जा रहा था, और जैसे ही वो दर्शन मेरे कंप्लीट हुए और मुझे जो है वो अश्वनी धीर साहब का फोन आया कि रोहित मैं एक सीरियल बना रहा हूँ लापतागंज, तुम मिलो यार, और उसमें मैं मेन रोल। तो उसके बाद हमारी शादी भी हुई और फिर ये सारा वाकया जो है इस तरीके से था। तो ये जो दर्शन थे मैं कभी भूल नहीं सकता, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है गणपति फेस्टिवल के दौरान। फेवरेट पार्ट जो है इस फेस्टिवल का ये है कि जब प्रतिमा घर में लाई जाती है या किसी पंडाल में लाई जाती है, तो जिस तरह से जो है उसे हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ पंडाल में लाया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है घरों में भी और पंडाल में भी, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण मूर्ति में लाना। उस समय जो मंत्रोच्चारण होते हैं, उस समय जिस तरह से उनको जो है वो उनका पहनावा होता है, उनको किस तरह से वस्त्र दिए जाते हैं, किस तरह से उनको नहलाना वो पूरी मूर्ति को, वो जो है पूरा प्रोसेस बहुत खूबसूरत होता है। उसमें जो है बहुत सारे लोग, शंख नाग नाद होते हैं, घंटियों की आवाज़ होती है, नगाड़ों की आवाज़ होती है, और उसके बीच में जो है मंत्रोच्चारण होता है जो कि पूरे वातावरण में एक आध्यात्मिक शांति पैदा करता है। और दूसरा पार्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विसर्जन का, मतलब वो थोड़ा सा दुखदाई पार्ट भी होता है, क्योंकि अब वो जो है विसर्जित होने के लिए मतलब वो अंतिम दिन होता है, पूरी भीड़ के साथ वो जो जा रहे होते हैं, खासकर अगर लाल बाग का राजा का अगर आप विसर्जन देखें तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने देखा है गिरगांव चौपाटी में, सिरी सिर नजर आ रहे हैं और बीच में बप्पा की विशाल मूर्ति, और वो दूर तक समुद्र में जाते हुए दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे लोग जो है मैंने देखा अश्रुधारा जैसे बह रही है, जैसे घर का कोई बहुत बड़ा सदस्य वैसे चला गया, और फिर अगले बरस फिर आने वाले जो सॉन्ग गूंजते हैं। तो ये दो पार्ट जो इस फेस्टिवल के बहुत बहुत मुझे उद्वेलित करते हैं।